शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली। जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनि सुत बजरंग बली, ग्यारहवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। देखो जो विषम संकट हमारे परिवार पर आया था वो तो ईश्वर की कृपा से लगभग टल ही गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये तो तुमने बड़ा ही सुखद समाचार सुनाया। इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कुछ तो उपचार होगा ही। इसका उपचार मात्र संजीवनी बूटी ही है, जिसके लिए हमें बृहस्पति लोक जाना होगा। मारुति, पुत्र, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। जाओ पुत्र, सफल होकर लौटो। माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए पिताजी को कुछ नहीं होगा। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
यही है बृहस्पति लोक। इतने सारे ग्रंथ, देवों के गुरु है बृहस्पति जी, इसीलिए इतने सारे वेद पुराण है यहाँ पर। अंजना, इस बार तो मारुति तुम्हारे आंखों के सामने ही गया, किंतु तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहां जा रहा है। पिताजी, आप मारुति को इतने दिनों से देख रहे हैं, उसके कार्यों से तो ये निश्चित है कि वो एक असाधारण बालक है। और फिर कुलदेवता पवनदेव ने भी तो बताया था कि उसका जन्म कुछ विशेष कार्यों के लिए हुआ है, इसीलिए मैंने स्वयं ही उससे कुछ नहीं पूछा। किंतु है तो अभी वो बालक ही ना। पिताजी, मैं जानती हूँ कि वो अपने पिता के प्राणों की रक्षा के लिए गया है। यदि कोई बात होती तो मारुति स्वयं ही हमें बता देता। वैद्य जी, पुत्र केसरी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ कि नहीं? अभी तो महाराज की सांस पहले जैसी स्थिर है, नाड़ी भी ठीक है। राज वैद्य जी, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ही है तो पुत्र केसरी अभी तक अचेत क्यों है? इनकी चेतना लौटी क्यों नहीं? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हर तरह से उपचार करके देख लिया है, पुनर्वलता के रस से भी इनकी चेतना नहीं लौटी, किंतु इनकी नाड़ी की स्थिरता से एक आशा लौटी है। शिवर, धन्य भाग्य हमारे ऋषिवर जो आप यहां पधारे। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर। किष्किंधा में जिस प्राणघातिनी शक्ति के वार को आपने सहजता से वहन कर लिया था, उसी प्राणघातिनी शक्ति के वार से पुत्र केसरी की यह दशा हो गई है और 3 दिनों से ये यूं ही अचेत पड़े हैं। हमें ज्ञात है कुंजर जी, और इसीलिए हम यहां आए हैं। ऋषिवर, आप ही कुछ कीजिए, इनकी चेतना तो लौट ही नहीं रही है। आप धीरज धरिए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और महाराज की चेतना शीघ्र लौट आएगी। एक विनम्र विनती है ऋषिवर, जब तक पुत्र केसरी ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रहें। आपकी उपस्थिति से हम सबको बड़ा संबल मिलेगा। जी। Thank you.
धीरज धरने के लिए कह दिया है, किंतु सत्य तो यह है कि समय बीतने के साथ साथ केसरी की शक्ति क्षीण होती जाएगी, इनके श्वास की गति कम होती जाएगी, और यदि संजीवनी बूटी नहीं मिली तो सवा माह के अंतिम दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। और पता नहीं मारुति सवा माह तक लौट भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए हमारा यहां आना आवश्यक था। लगता है देवगुरु बृहस्पति जी लेखन कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे लोक में पधारे हैं, किंतु प्रभु ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा कि आपको स्वयं मेरे लोक में आना पड़ा। शिवाय नमः शिवाय। प्रभु, यदि आप आदेश देते हैं तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता हूँ। देव गुरु बृहस्पति जी, मैं आपका प्रभु ने याचक बनकर आपके पास आया हूँ, और याचक को दाता के द्वार पर आना ही पड़ता है। ऐसा मत कहिए प्रभु, आप तो हम सब दिनों के दाता हैं, सर्वसमर्थ हैं, भला कोई आपको क्या दे सकता है। फिर भी प्रभु, आप बताइए कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। मैं अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरे पिता को प्राणघातनी शक्ति लगी है। प्राणघातनी शक्ति? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ देव गुरु बृहस्पति जी, और उसका मात्र उपचार संजीवनी बूटी है, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, ताकि संजीवनी बूटी से मेरे पिता के प्राणों को बचाया जा सके। किंतु प्रभु, वो बूटी तो द्रोण पर्वत पर होती थी। देवगुरु बृहस्पति जी, आप मुझे वहां ले चलिए। किंतु प्रभु, द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है, वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है, वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। इसीलिए प्रभु, संसार में इस समय संजीवनी बूटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? पूरा पर्वत कैसे जलमग्न हो गया? प्रभु, एक समय शुक्राचार्य के शिष्य जालंधर नामक असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। Ha 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 ha
आप हम देवताओं के गुरु हैं। आपकी दृष्टि के सामने ये असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। इस तरह तो हम सारे देवता समाप्त हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए देवगुरु, आप कुछ कीजिए। हे इंद्रदेव, आप चिंता ना करें, मैं किसी भी देवता को मरने नहीं दूंगा। मैं इन्हें पुनः जीवित कर दूंगा। किंतु देवगुरु, ये कैसे संभव है? इंद्रदेव, मैं संजीवनी बूटी की सहायता से इन सभी देवताओं को जीवित कर दूंगा। आप इस दुष्ट असुर जालंधर को रोकिए। और मैं धरती के द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर शीघ्र लौटता हूं। जालंधर, तेरा अंत अब मेरे ही हाथों होगा। इंद्रदेव, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अब देखते हैं कि किसका अंत किसके हाथों होता है। इंद्रदेव, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अब देखते हैं कि किसका अंत किसके हाथों होता है। संजीवनी बूटी के वृक्षों, दुष्ट असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। उन्हें पुनः जीवित करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, अतएव आप अनुमति प्रदान करें जिससे मैं इन बूटियों को ग्रहण कर सकूं। आपको कोट